हेलो फ्रेंड, हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें खैर से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दिल जले मूवी के पार्ट वन पर। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, इस मूवी को देखते हैं, फिर अपने रिव्यू शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बॉयज, पुलिस एक आखिरी कोशिश कर रही है बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाने की। अगर आतंकवादी पहाड़ों से नीचे उतर आए और चेक पोस्ट बनाने नहीं दिया तो हमारी फौजें इस मिशन को टेक ओवर कर लेंगी। हमारा मकसद आतंकवादियों को खात्मा। सर, राइट कैप्टन रणबीर। सर, मैंने इस जगह का मुआयना भी किया। सर, कैसी लगी? कौन सा ये जगह? खूबसूरत सर। खतरनाक भी है। लेकिन खूबसूरती तो खतरनाक होती ही है सर। किसी लड़की की बात कर रहे हो या इस जगह की? एनीवे बॉयज, याद रहे बुलावा कभी भी आ सकता है। तू हमारी बेटी राधिका की पिछली जिंदगी का राज दुनिया को बता देगा। मंत्री जी, आपका फोन है। किसका फोन है? कैप्टन रणबीर का। हेलो। नमस्ते राजा साहब। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ राजा साहब। बताओ कब आ रहे हो हमसे मिलने? आज हमारे मेस में एक छोटी सी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब वहां पर जरूर आएं। हम आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। राजा साहब, ये आवाजें कैसी हैं? कुछ नहीं बेटा, जरा एक्सरसाइज कर रहा हूँ टांगों की। अच्छा, ओके देन, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके ओके बेटा। जंगल में ले जाकर आग लगा दो इसकी लाश को, हड्डियां तक नहीं मिलनी चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। तो उससे कहां मिला? मिला नहीं, सिर्फ देखा है उसे। कैसी है वो? ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये सारी कायनात, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं। घर में वो नहीं। वो है कौन? कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा। नाम? आओ बेटी आओ। डैम गॉड। मेरी बेटी राधिका। राधिका, ठाकुर साहब कैसे हैं? कौन ठाकुर साहब? अरे मेरा दोस्त, तुम्हारा बाप ठाकुर साहब। बाप? डैडी अच्छे हैं। क्या है? लड़का तो बहुत अच्छा है भाई साहब। शट अप। बेटे, अपनी जंग कब छेड़ रहे हो आतंकवादियों के खिलाफ?
ये आखिरी मौका है हमारी पुलिस फोर्स के लिए वहां चेक पोस्ट बनाने का, उस इलाके में जिस इलाके को आतंकवादियों ने अपना गढ़ बना रखा है। सर, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। ये चेक पोस्ट तो हम बना के ही रहेंगे। उस मशहूर आतंकवादी शाका के दांत खट्टे करके मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। वैसे भी तुम्हें एक आंख से दिखाई देता है इंस्पेक्टर यजवेंद्र, अपनी मौत को दावत क्यों देते हो तुम? लेकिन कमिश्नर साहब, शाका ने तुम पर 3 बार हमले किए हैं। शुक्र है कि तुम बाल बाल बचते रहे, इसलिए यह ऑपरेशन मैं एसपी शंकर सिंह को देता हूं। थैंक यू सर, अब मैं कसम खाता हूं कि शाका को जिंदा पकड़ के दिखाऊंगा। गुड, अगर तुमने ये कर दिखाया तो घुटने टेक देगा हमारे सामने आतंकवादियों का लीडर दारा। तारा, हमने पुलिस को देखते ही धावा बोल दिया था, बल्कि पुलिस की एक टुकड़ी पर कब्जा भी कर लिया था। तभी पुलिस की दूसरी टुकड़ी ने पीछे से हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर क्या पहुंचा हूं। शाका जरूर पकड़ा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। बहुत अच्छा किया जो तू भाग आया, वरना तू भी पकड़ा जाता। हाँ दारा, मैं इसीलिए वहां से उल्टे पांव भाग आया। लेकिन गलत जगह पे आ गया तू, क्योंकि वहां शायद तू पकड़ा जाता या मारा जाता, लेकिन यहां तो 100% मारा ही जाएगा। तारा, नहीं। हाथों से हो सकता है गुल, उसके लिए हथियार क्यों? लेकिन शाका का क्या होगा दारा? मैंने कहा था कि मैं शाका को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। शाका, आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे इन साथियों को मारूंगा मैं। एसपी, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या मर सकता है। नहीं शाका, तू मर नहीं सकता। शाका, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तू नहीं मर सकता। सर, ये मर चुका है, खोलो इसे। उठ शाका, उठ, तू मर नहीं सकता। शाका, उठ, तुझे जिंदा पकड़ना था। उठ उठ शाका, उठ, तेरी आंखों के सामने तेरे आदमियों को मारना है मुझे। उठ, मरे हुए को क्यों मारते हो तुम? वो बेचारा मर गया है। तुम्हारे सामने उसने कैप्सूल खाया। मार दो इन सबको, ठहरो। गोलियां सीने पे नहीं बेवकूफो, पीठ पे। अब तुम लोग सबके सब भागोगे। 10 गिनने के बाद हम गोली चलाएंगे, जो बच गया सो बच गया। भागो। भागते कायर है, चलानी है गोली तो सीने पे चला।
ए! हाय हाय, क्या अदा है। तुझे कौन मारेगा मेरी जान, तुझे तो। भागो आप तुम लोग, मैं कहता हूं भागो, भागो, मार डालो इन सबको। यू बास्टर्ड। मैंने कहा था शाका मर सकता है, लेकिन शाका इतना कायर नहीं जो साइनाइड की गोली खाकर मर जाए। देखा हम में बर्दाश्त करने की कितनी शक्ति होती है। तू चीखा, मैं चीखा, सिर्फ मुर्दों की तरह पड़ा रहा। अब भाग, भाग। फिक्र मत कर, हम पेट पर गोली नहीं चलाएंगे, तुझे जिंदा छोड़ेंगे ताकि तू जाके शाका की कहानी सुना सके, बता सके अपने डिपार्टमेंट को कि कितना जहर भरा है इस दिल जले में तुम पुलिस और पॉलिटिशियंस के खिलाफ। भाग, भाग। लूट लो सारा माल। अजय देवगन की एंट्री कितनी देर में होती है, और लेकिन बहुत ही धमाकेदार होती है, और हमने तो सोचा ही नहीं था कि अजय देवगन की एंट्री खलनायक के तौर पर होगी। हमने तो सोचा कि ये एंट्री जो है बहुत ही दमदार, और वैसे दमदार थी लेकिन एक पॉजिटिव वे में नहीं थी, निगेटिव में थी, तो थोड़ा सा आप सोच भी हो कि कैसे ये स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो है कहानी और लुक जो है इसका बहुत ही अच्छा है, और इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तुम्हें कैसी लगी? मुझे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। बर्फी और हमने पूरी का लुक, ओह माय गॉड, वो तो वाकई बहुत ही खतरनाक लुक है। और कैसे जब उनके साथ ही आते हैं कि शाका पकड़ लिया गया और मैं बच के आ गया हूँ, तो खुश होने के जगह जो है उनको ही सजा दे देते हैं कि पुलिस से तो तुम बच जाते या पकड़े जाते, यहाँ तो 100% मारे जाओगे। और सोनाली मेहंदी कितनी अच्छी लग रही थी जब पार्टी में आई थी, कितनी प्यारी लग रही थी। पहले भी अच्छी लग रही थी जब वो उन्होंने देखा था, और जब पार्टी में आती है तब भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत खोई खोई सी थी। पता नहीं ऋषि कपूर भी तो इसमें कितने खुखार बने हैं कि उसको मार रहे होते हैं, और जब वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं पैरों की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सीन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।